इधर केरल के कोझिकोड में एक मॉल में मलयालम फिल्म के प्रमोशन से पहले इतनी भीड़ जमा हो गई कि आयोजकों को घबराकर इवेंट को कैंसिल तक करना पड़ा, क्योंकि हाईलाइट मॉल के सभी फ्लोर लोगों से खचाखच भरे हुए थे और पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। इससे पहले कि मलयालम फिल्म थलुमला की स्टारकास्ट प्रमोशन के लिए पहुंचती, उससे पहले ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मॉल में क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन मॉल में बेकाबू भीड़ के बाद कार्यक्रम के आयोजक घबरा गए और उन्होंने फिल्म के प्रमोशन को रद्द कर दिया। वहीं मलयालम फिल्म थलुमला की बात करें तो ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें टोविनो थॉमस, कल्याणी प्रियदर्शन और शाइन टॉम जैसे बड़े स्टार काम कर रहे हैं। फिल्म थलुमला का निर्देशन मोहसिन परारी ने किया है, जो आज रिलीज हो रही है। उधर दिल्ली के एम्स में भर्ती एक्टर राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन उनको आए हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर एक बड़े खतरे से सावधान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हार्ट अटैक का कनेक्शन कोरोना वायरस से भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को दिल का दौरा पड़ा है। मतलब ये कि लोग कोरोना वायरस से ठीक तो हो गए, लेकिन वायरस का कुछ असर शरीर में बाकी रह गया। इसी को पोस्ट कोविड इफेक्ट कहा जा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर ये देखकर हैरान हैं कि युवाओं को भी दिल से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। जब से कोरोना महामारी आई है, तब से तंदुरुस्त लोगों को भी हार्ट अटैक आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोरोना के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो यंग पेशेंट्स हैं, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। राजू श्रीवास्तव भी ऐसे ही लोगों में हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। हालांकि उन्हें कोरोना से ठीक हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके ही जैसे कई मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पहले तो दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद वो हार्ट पेशेंट बन गए। ऊपर से ऐसे मरीजों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है, जिनकी जान तक पर आफत आ गई। हालांकि न तो अब तक इस पर कोई रिसर्च हुई और न ही किसी सरकारी एजेंसी ने इस पर कुछ कहा, लेकिन डॉक्टर भी ये सिलसिला देखकर हैरान हैं। बार बार हार्ट अटैक के ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनकी उम्र काफी कम है। उन्हें कुछ महीने पहले कोरोना वायरस हुआ था। आशंका यह है कि कोरोना वायरस की वजह से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक की आशंका बढ़ गई। हालांकि अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी, जब उसी वक्त डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों को कुछ खास टेस्ट कराने को कहा था। जो टेस्ट करवाए जा रहे थे उनमें डी डायमर नाम का एक टेस्ट भी शामिल था। ये टेस्ट ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन डॉक्टर इसे बेहद जरूरी मान रहे थे। दावा यह है कि डी डायमर टेस्ट के जरिए ये जांच की जाती थी कि मरीज की रगों में बह रहे खून पर वायरस का कितना असर हुआ है, क्योंकि अगर मरीज का खून गाढ़ा हो गया हो तो उसमें थक्के जमने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। खून सीधा इंसान के दिल तक पहुंचता है। अगर खून के साथ कोई थक्का भी दिल तक पहुंच जाए तो वो आर्टरी में यानी धमनी में फंस सकता है, यानी उसे ब्लॉक कर सकता है। दिल से जुड़ने वाली धमनी के ब्लॉक होने का मतलब सीधा हार्ट अटैक। इसीलिए डॉक्टर डी डायमर नाम के टेस्ट की सलाह मरीजों को दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का डी डायमर बॉर्डर लाइन है, तो बॉर्डर लाइन होने के बाद हम उसको खून पतला करने की गोलियां या इंजेक्शन तुरंत दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने कोरोना से ठीक होते ही उस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी रही जिन्होंने टेस्ट तो कराया लेकिन रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दिखाई ही नहीं। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद कुछ दिन दवा भी खाई लेकिन फिर नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टरों का मानना यह है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद रहने के अलावा लोग साल में एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करवा लें। लेकिन मसला केवल कोरोना वायरस का नहीं है, हार्ट अटैक की शिकायतें उन लोगों में भी बढ़ रही हैं जो सेहत के लिए जरूरत से ज्यादा सचेत हैं, यानी खुद को फिट रखने के लिए जी तोड़ जिमिंग कर रहे हैं। दावा यह है कि जिम में कसरत करते हुए भी कई लोगों को हार्ट अटैक का शिकार होना पड़ा। फिट रहने के लिए डॉक्टर ही लोगों से कसरत करने की अपील करते हैं, लेकिन पहेली ये बन रही है कि आखिर कसरत करने की वजह से किसी को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मोहित गुप्ता इसे खारिज नहीं करते। उनके मुताबिक हार्ट अटैक के जितने भी कारण होते हैं उन सब की संभावना कसरत करते हुए बन सकती है। लोगों के अंदर बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के तीन या चार कारण होते हैं, इन तीनों कारणों में से कोई भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। खुद राजू श्रीवास्तव को भी जिस वक्त हार्ट अटैक आया वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को भी अब डर सताने लगा है जो अपनी सेहत के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करते। डॉक्टर ये सलाह भी दे रहे हैं कि वर्कआउट में उतनी ही ऊर्जा डाली जाए जितनी किसी इंसान का दिल झेल पाए। हालांकि सबसे बड़ा खतरा युवाओं को बाजार में मिलने वाले बॉडी सप्लीमेंट से भी बताया जा रहा है, जिन्हें आमतौर पर लोग कम वक्त में ज्यादा सेहतमंद बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कसरत के साथ बॉडी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने का चलन कोई नया नहीं है।
लेकिन पिछले कुछ साल में ये कई गुना बढ़ा है। बाजार में मिलने वाले बॉडी सप्लीमेंट को कई लोग तो बिना विशेषज्ञों की सलाह के भी ले रहे हैं। बॉडी बिल्डरों जैसा दिखने की सनक में लोग बेहिसाब सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि डॉक्टरों की राय इस पर भी साफ है। डॉक्टर मानते हैं कि बाजार में मिलने वाले सप्लीमेंट मांसपेशियों पर ही नहीं दिल पर भी असर कर रहे हैं। बॉडी तो मसल बना लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को और स्पेशली जो बड़ी बड़ी आर्टरी जो पर में एम्बोलिज्म ऐसे फिनोमेना ये बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं। प्रोटीन और क्रिएटिन से लेकर कई तरह के एमिनो एसिड का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट जैसी ड्रिंक्स भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। हालांकि जानकार लोग कसरत करने वाले युवाओं को इनकी सलाह भी देते हैं लेकिन इन्हें खरीदने के लिए किसी सलाह या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस तरह के सप्लीमेंट लोग महज देखा देखी में भी खरीद रहे हैं। बिना किसी ट्रेनर की सलाह के भी लोग ऐसे